कारागार विभाग में 3504 पदों पर जल्द होगी भर्ती। भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेजा गया पत्र। 2000 से अधिक जेल वार्डर के पद खाली। अस्पतालों में फार्मासिस्ट की भी भारी भरकम कमी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग में खाली पदों को भरने के निर्देश दिए हैं। वर्तमान में इस विभाग में समूह क से लेकर समूह घ तक के 3504 पद रिक्त हैं। इसे सीधी भर्ती व विभागीय प्रवृत्ति के माध्यम से भरा जाना है। हालांकि राज्य सरकार ने 3 दिन पहले इस विभाग में 2 IPS अधिकारियों को स्थायी नियुक्ति दी थी, जबकि 3 IPS को अतिरिक्त प्रभार सौंपा है। हाल ही में एक उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्तमान विभाग में समूह क के 156 पद हैं, इनमें से 107 पद रिक्त हैं। इसी तरह समूह ख के 738 में से 326 पद खाली हैं। समूह ग के अंदर 10543 में से 2808 पद खाली हैं, जबकि समूह घ के अंदर 682 में से 263 पद खाली हैं। ऐसे में वर्तमान में 12119 में से 8769 पद पर कर्मी तैनात हैं, जबकि शेष पद खाली हैं। इसी तरह से जेल वार्डर के 7815 पदों में से 2068 पद खाली हैं। इस संबंध में विभाग ने उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड को पत्र लिखा गया है। इन पदों पर भर्ती प्रक्रिया मई 2024 से शुरू होगी। वहीं जेल के अस्पतालों में चिकित्सा अधिकारियों के 153 में से 36 पद खाली हैं। इन पदों पर तैनाती चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से की जाती है। इसी तरह फार्मासिस्ट के 149 में से 89 पद खाली हैं।